हेलो माय डियर माय स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज और आप अड्डा 24/7 पे आरजीडीसी प्रोग्राम में आप मेरा पहला क्लास देख रहे हैं। हम लोग यहां पे आज अपनी स्टार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ करने जा रहे हैं। हालांकि उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन आज हम लोग की शुरुआत जो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से होगी। और इसमें भी हम लोग जो है सबसे पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ। लेकिन इसके पहले जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब व्हेन वी हैड नॉट अवर कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट वी हैड टू रन अवर एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट वी हैड टू रन अवर स्टेट, और उसमें क्या ऐसा राइट और ड्यूटीज का भी कोई कॉन्सेप्ट था? तो अगर नहीं था तो क्यों नहीं था, और अगर था तो किस प्रकार से ये काम कर रहा था। तो हम लोग सबसे पहले यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जब हमारे पास अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो हमारे पास क्या था और कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है। लेकिन इसके पहले हम लोग ये जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं ये जानने के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन के बॉडी में प्रवेश करना पड़ेगा, यानी जानना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान क्या है ये। और इसको समझने के लिए आपको पेन और कॉपी अपने साथ में रखना है। आप सबको पता है कि ज्यादातर स्टेट जो है पहले मोनार्कियल स्टेट्स होती थी, और मोनार्कियल स्टेट्स में जो उस समय की पहली जो थ्योरी होती थी किंगशिप की, राजत्व की जो विशेषताएं थी, जो विचार होता था वो जो है डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप होता था। यानी सभी लोगों का ये मानना था कि राज्य जो है वो एक संस्था है और जो ईश्वर ने राजा को दिया है, ईश्वर ने राजा को दिया है, यानी राजा का जो नेचर है, राजा का जो स्तर है, जो स्थान होगा वो ईश्वर के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है और कैसे इसको हम अपने जुडिशरी में कहां से इस पे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए हम संविधान के सबसे पहले शाब्दिक अर्थ पे जाते हैं। संविधान, संविधान का मतलब होता है सम सम प्लस विधान, यानी कि जो विधान सबके लिए समान हो। विधान यानी कानून या विधि, जो विधान कानून जो है वो सबके लिए समान हो वो है संविधान, सबके लिए। अब सबके लिए आपको लग रहा होगा कि कोई नई चीज है, तो नई चीज बिल्कुल थी, क्योंकि इसके पहले जो है राजा के लिए संविधान अलग होता था, प्रजा के लिए संविधान अलग होता था। पहली बार ये कॉन्सेप्ट लाया गया जिसमें जिसमें सभी लोगों को समान मानने की बात कही जा रही थी, ये प्रैक्टिस में नहीं हो रही। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है, रोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है बड़ा आसान है। सबसे पहले स्टेट के लिए, यानी कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसे रेगुलेशंस, कोई नियम कानून जिनके माध्यम से स्टेट को रन कराया जाए, वो सभी लॉस, सभी रेगुलेशंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद किसके लिए लागू होगा? द पीपल, लोगों के लिए, यानी लोग किस प्रकार से शासित होंगे, लोगों को किस प्रकार से काम करना है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो प्रशासन है वो कैसे चलेगा। ये मोटी मोटी बातें हैं ये। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तीन बॉडीज पे काम करेगा, स्टेट के लिए, पीपल के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। यहां पे स्टेट का मतलब प्रोविंसेस नहीं है, स्टेट का मतलब एक यूनिटी से है, एक एक इंटीग्रेटेड कंट्री से है। ऐसी कंडीशन में जब आप देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेट ऑफ रूल्स बाय विच द स्टेट, द पीपल, द एडमिनिस्ट्रेशन इज रन और गवर्न। ये क्या है? ये सेट ऑफ रूल्स है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है। अब यहां से आपको अपनी शुरुआत करनी है, यहीं से हम लोग अपनी शुरुआत करेंगे।
मैंने शुरुआत में आपसे क्वेश्चन पूछा था, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन ये था कि भाई जब आपके पास ये मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो आपके पास में क्या था? तो हमारे पास था रिलीजन, यानी हमारा धर्म। उस समय हमारा जो धर्म था वो कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में था। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई वी नीडेड दिस काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन वी हैड रिलीजन? जब हमारे पास रिलीजन था तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों थी? तो मैंने अभी आपको बताया कि उसमें बॉडीज अलग हैं, सोसाइटी में कई प्रकार की कैटेगरीज रहती थी, उसमें एक रॉयल कैटेगरी होती थी जिसके लिए अलग संविधान होता था, जिसके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता था। हालांकि उस समय उसको संविधान नहीं कहा जाता था, उस समय उसको धर्म ही कहा जाता था, उस समय उसको धर्म ही कहा जाता था, और धर्म जो था वो संविधान के रूप में काम करता था। तो आप समझ सकते हैं कि धर्म भी क्या था, धर्म भी उस समय का कॉन्स्टिट्यूशन था, सेट ऑफ रूल्स धर्म में भी थे। तो फिर अंग्रेजों को क्या जरूरत थी, व्हाट वाज द नीड ऑफ द ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिशर्स को क्या नीड थी कि वो आपके लिए संविधान पैदा करें? इसकी भी शुरुआत हम लोग देखेंगे, इसकी शुरुआत जो है वो होती है ब्रिटिश चार्टर से, क्योंकि एक सत्य है जो कि कड़वा है कि हमारा जो संविधान है वो अंग्रेजों ने बनाना शुरू किया। जब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है, वो अचानक से नहीं बनाया गया। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका संविधान अचानक से बना है, लेकिन इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। जब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट यानी ऐतिहासिक विकास, जब हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट यानी ऐतिहासिक विकास, तो ऐसी कंडीशन में यहां पे दो वर्ड है, हिस्टोरिकल एंड डेवलपमेंट। हिस्टोरिकल का मतलब है कि कहीं ना कहीं हिस्ट्री में इसके बीज पड़े। जो मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप देख रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसको बाद में इंडियंस ने ड्राफ्ट किया है, लेकिन उसके सीट्स कहां है, उसके बीज कहां है, तो उसके बीज जो हिस्ट्री में मिलते हैं वो कहां मिलते हैं, अंग्रेजों के पास मिलते हैं। इसकी शुरुआत कहां से होती है उसको भी जानते हैं। तो आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत जो है वो कहां हुई, ब्रिटेन में। इसके पहले जो लोग नए जुड़ रहे हैं या इसके पहले जुड़े हुए, मैं बता देता हूं कि जब आप ब्रिटेन कहते हैं, जब आप ब्रिटेन कहते हैं तो ब्रिटेन का मतलब और यूके का मतलब अलग अलग है। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि यूके जो है वो ग्रुप है फोर कंट्रीज का, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड ब्रिटेन। लेकिन इसके सीट पड़े ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में इसके सीट कहां पे पड़ गए, ब्रिटेन को क्या जरूरत हुई? तो ब्रिटेन की जरूरत यह थी कि जब पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जब एक पुनर्जागरण या एनलाइटमेंट स्टार्ट हुआ, जिसको आप रिनेसा भी कहते हैं, रिनेसा के कारण कई सारे कंट्रीज में अलग अलग डेवलपमेंट हुए, अलग अलग रिसर्च हुई, अलग अलग खोजें हुई, साइंस टेक्नोलॉजी ने रिलीजन को पीछे कर दिया। ऐसी कंडीशन में वहां पे ये जरूरत पड़ी कि कहीं ना कहीं बहुत सारे देशों को एक्सप्लोर किया जाए ताकि वहां पे अपनी मार्केट जो है बनाई जा सके। यूरोप जो था वहां पे रॉ मटेरियल्स जो था बहुत कम था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने उनको फैक्ट्री दे दी, उनको इन्वेंशन दे दिए, लेकिन रॉ मटेरियल्स कहां से लाएंगे, और रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस कर लिया तो वो अपना माल कहां बेचेंगे। ये सारी गुणागणित में पूरे यूरोप के लोगों ने सेल करना चालू किया था, एक्सपोर्ट करना चालू किया था। इसको शॉर्ट में बता रहा हूं। तो जब इंडिया में ब्रिटिश कंपनी आती है तो थर्ड नंबर पे आती है, लेकिन उसकी जो फाउंडेशन है वो सेकंड नंबर पे हो जाती है। सबसे पहले पोर्टुगीज कंपनी आती है, उसके बाद जब सेटअप होता है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सेटअप नंबर 2 पे है, हालांकि आती जो है वो नंबर 3 पे है।
इंडिया। तो यही से शुरुआत है, जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी शुरुआत ही यहीं से होती है, उसकी बिगनिंग यहीं से है। तो उसकी बिगनिंग के लिए हम लोगों को क्या करना है, उसकी बिगनिंग के लिए हम लोग थोड़ा सा और पीछे चलते हैं कि उसकी बिगनिंग करने की कहां से उसकी शुरुआत हुई, क्या जरूरत थी, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं वहां पे। उसकी शुरुआत के लिए हम लोग पीछे चलते हैं जहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कैसे है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देख रहे हैं, जब ऐतिहासिक विकास देख रहे हैं, तो इसको दो दो पीरियड में डिवाइड किया जा सकता है। पहला पीरियड जो है वो है 1600 से लेकर के 1773, यहां से शुरुआत होगी और वो जाएगा कहां तक, 1853 तक। ये पहला पीरियड है जहां पे 1600 से होते हुए 1773 होते हुए 1853 के चार्टर एक्ट तक जाएंगे, ये फर्स्ट फेज है। ये फर्स्ट फेज क्यों है, क्योंकि अभी तक जो आपके यहां जो रूल था वो किसका था, वो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, EIC। ये फर्स्ट फेज है, इट इज नोन एज द फर्स्ट फेज। ये फर्स्ट फेज है, पहला काल है, पहला चरण है। और 1858 से 1947 यानी दिस वॉज द फेज when the rule and administration of India came under the hands of British government. British government started directly ruling over India. भारत के ऊपर डायरेक्ट शासन करना शुरू कर दिया कब से, 1858 से। तो ये दो फेज, क्योंकि ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात कही गई है तो आपको पहले मैं बता देता हूं कि संविधान बनाते समय, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय किन किन चीजों का ख्याल रखा जाता था। हालांकि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इंग्लैंड ने इसकी शुरुआत की। तो मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फॉर्मेशन है वो 1600 का है, बस दैट वॉज द सीड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ यू कैन राइट कि पहला जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सीड है, बीज है, वो पड़ता है 1600 ईस्वी से, यानी फर्स्ट चार्टर जो है वो ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ ने जो है यहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म करने के लिए एक चार्टर दिया। चार्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, राजपत्र। राजपत्र का मतलब आज का सरकारी पत्र, और ब्रिटेन के लिए वहां की गवर्नमेंट का एक चार्टर, उनकी आज्ञा। उनकी आज्ञा से पहली बार 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म किया गया और उसको दो तीन चीजें समझाई गई, वो हम लोग आगे देख लेते हैं क्या क्या चीजें समझाई गई। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्मेशन में यह बोला जाता है कि वहां पे कंपनी का काम कैसे होगा। तो कंपनी का काम क्या होता है, कंपनी को इंडिया जाना है। तो जैसे आज आपके यहां प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बनती हैं, वैसे ब्रिटेन में उस समय कंपनी का फॉर्मेशन होता था। तो ब्रिटेन में जब कंपनी का फॉर्मेशन होता था तो ब्रिटेन में एक कंपनी बनाई गई, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें 24 डायरेक्टर्स रखे गए। कितने, 24 डायरेक्टर्स। और यह कंपनी को बोला गया कि भाई आपको नेक्स्ट 15 इयर्स के लिए मोनोपोली दी जा रही है कि आप इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं, यानी व्यापारिक एकाधिकार जो है वो दिया जा रहा है। कितने साल के लिए, 15 इयर्स के लिए, यानी 15 इयर्स के लिए द
ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी कुड ट्रेड इन इंडिया, सिर्फ एक कंपनी ही इंडिया के अंदर ट्रेड कर सकती थी, दैट वॉज ईस्ट इंडिया कंपनी, नॉट एल्स कंपनी इन इंग्लैंड, कोई अदर कंपनी नहीं, नो अदर कंपनी, सिर्फ एक कंपनी, राइट। तो एक कंपनी रोल कर सकती थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी में जब ये डायरेक्टर हो गए, कंपनी बन गई, तो उनको बोला गया कि भाई ऐसा है, अब आप इंडिया में जब रूल करोगे तो आपको कुछ ना कुछ कानून बनाना पड़ेगा, किसके लिए, किसके लिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनीज के एम्प्लॉइज होंगे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करेंगे उनके लिए। दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो शुरुआत है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जब भी आप लिखना शुरू करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में, तो आप क्या करेंगे, एक लाइन जरूर लिखेंगे कि भाई 1600 का जो चार्टर एक्ट पास किया गया था, किसने किया था, एलिजाबेथ ने। ध्यान रखिएगा, एलिजाबेथ वन। अब एलिजाबेथ वन ने जब इनको ये परमिट कर दिया कि वो इंडिया में ट्रेड कर सकते थे, तो आपको बाकी हिस्ट्री की बातें वो हम बाद में पढ़ेंगे कि कैसे कैप्टन हॉकिंस आया, फिर थॉमस रो आया, वो बात की बातें, क्योंकि अभी ये फेज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का है, डेवलपमेंट का है, तो हम यही चीजें पढ़ रहे हैं। बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन हो गया पूरे इंडिया में, कई जगह उन्होंने पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट कर ली, तब उनके पास इंडिया का एक वास्ट एरिया जो थे वो उनके पास में आ गया, उनका ट्रेड फैल गया, तो उनको रूल करने के लिए दिल्ली के जो प्रॉब्लम्स होते थे उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, कंपनी टू कंपनी, पर्सन टू पर्सन, उनको नए प्रकार के कानून की जरूरत थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द वन ऑफ द मेन कंपनी जिसने इंडिया को अपना गुलाम बनाया ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। बाकी इसके पहले क्या हो रहा था कि जो भी लोग इंडिया में आ रहे थे वो रिलीजन को बेस बना करके अपने एक्सपेंशन को अंजाम देते थे, अपना विस्तार करते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी पहली कंपनी थी जिसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे, जिसने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बेसिस पे अपना एक्सपेंशन किया था, यानी उनका कानून ही उनके विस्तार का कारण था। तो ऐसी कंडीशन में भारत में कानून बनाने की जो बहुत अच्छी शुरुआत होती है वो कहां से हो जाती है, 1773 से। तो अब आप लोग लिखना शुरू करेंगे कि 1773 में क्या जरूरत थी, इसको लिखना चालू करेंगे। तो पहला जो हम लोग यहां पे एक्ट देखते हैं, मेजर एक्ट, वो यही है, तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि 1600 में क्या हुआ था। 1600 में ब्रिटिश रॉयल चार्टर पास किया गया। ब्रिटिश रॉयल चार्टर ने, मैंने बताया कि ब्रिटिश रॉयल चार्टर का मतलब क्या है, राजपत्र है। यहां पे जो नई कंपनी थी उसको 15 वर्षों के लिए, 15 इयर्स के लिए क्या दे दिया गया, मोनोपोली दे दी गई। मोनोपोली का मतलब भी मैं आपको बाद में समझा दूंगा। मोनोपोली का मतलब होता है व्यापारिक एकाधिकार, यानी कोई एक कंपनी ही लीड कर सकती है ये 15 इयर्स के लिए। और उसके बाद 1677 के चार्टर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी मुद्राएं ढालने का अधिकार प्रदान कर दिया, ग्रांटेड EIC द राइट टू मिंट इट्स ओन क्वाइन। अब आप सोच रहे होंगे सर कि क्वाइन क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो सकता है? एग्जैक्टली, जो आदमी रेवेन्यू लेगा, जो आदमी अपनी करेंसी को ऑथराइज करेगा, जो आदमी अपनी करेंसी को लेजिटिमेट करेगा, वही आदमी कानून बनाएगा। ये सिंपल सा फॉर्मेशन है जो कि पहले से अंग्रेजों के पास ये दिमाग था, इसलिए उन्होंने अपने क्वाइन को मिंट करने की परमिशन ले ली और समय समय पे उस परमिशन को एक्सपेंड करते रहे। और जैसे जैसे ये अपनी क्वाइन को लेके आगे चलते रहे, इनका इकोनॉमिकल स्टेटस जो था पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा था। तो इस प्रकार से जो क्वाइन को मिंट करने का जो पावर था उसने भी कहीं ना कहीं इनके कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में इनकी मदद करी। फिर हम आगे देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले, बिफोर वी स्टार्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773,
सबसे पहले देखते हैं कि इसको रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहा गया, व्हाई इट इज नेम्ड रेगुलेटिंग एक्ट, व्हाट वाज द नीड ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, हाउ दिस एक्ट वाज फॉर्म, इसकी जरूरत क्या पड़ गई, ये सारी चीजों को हम देखते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसको रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बार कंपनी और इसके एम्प्लॉइज को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था। कहां, वेयर, इन लंदन, लंदन में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया कि भाई इंडिया के लोगों को, इंडिया के लोगों का मतलब यहां पे जो ब्रिटेन के लोग इंडिया में रह रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप एक चीज लिख सकते हैं कि मेनली दिस एक्ट वॉज फॉर ब्रिटिशर्स हु वर रेसाइडिंग इन इंडिया, नॉट फॉर इंडियन। तो पहले तो आप लोग लिख लीजिएगा, आपके पेपर में क्वेश्चन भी आया है कि भैया ये जो एक्ट बना रेगुलेटिंग एक्ट क्या ये सिर्फ इंडियंस के लिए था, नहीं, ये सबसे पहले ब्रिटिश एम्प्लॉइज के लिए था। इसीलिए इसका जो ज्यूरिडिक्शन था वो कैलकटा और उसके आसपास का एरिया था जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी मेनली रूल कर रही थी। तो सबसे पहले तो ये आप अपना भ्रम मिटा लीजिएगा, कंफ्यूजन मिटा लीजिएगा कि ये इंडियन के लिए बनाया गया था, इंडियन के लिए नहीं था। लेटर, सम इंडियन हु वर नीडेड टू रिजॉल्व देयर केसेस, उनको ये प्रिविलेज दे दिया गया, हालांकि इंडियन के लिए था नहीं। तो अब आपको पहले जैसे आप पढ़ते हैं कि सब्सटेंटिव लॉ होता है, प्रोसीजर लॉ होता है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, तो यहां पे क्या ये बेसिक एक्ट लाया गया था, इसमें प्रोसीजर की बात नहीं कही गई थी। इसमें था कि क्या लॉज होंगे, क्या बायलॉज होंगे, क्या पनिशमेंट होंगे, ये सारी चीजें बताई गई थी। तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट कहां से शुरू होता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है जब शुरू होता है तो ब्रिटिश एक्सपेंशन जो था वो इंडिया के मेन तीन पार्ट्स में था, बंगाल में था 1773 तक, मद्रास में था और बॉम्बे में था। और ये जो थ्री एरियाज थे, बिग एरियाज, इनको बोला जाता था प्रेसिडेंसीज एरिया। दीज थ्री एरियाज वर नेम्ड एज द प्रेसिडेंसीज एरिया। इनको प्रेसिडेंसीज एरिया इसलिए कहते थे क्योंकि इन तीनों प्रोविंसेस का, इन तीनों प्रेसिडेंसीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका हेड गवर्नर को बनाया गया था। यानी इन 1773 द ब्रिटिशर्स हैड थ्री गवर्नर्स, वन फॉर बंगाल, सेकेंड फॉर बॉम्बे एंड थर्ड फॉर मद्रास। देयर वर थ्री गवर्नर्स एंड दे ऑल वर रूलिंग देयर प्रेसिडेंसीज, देयर ऑल वर रूलिंग देयर प्रेसिडेंसीज एरिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो ये है कि ये तीनों गवर्नर अलग अलग कानून बना सकते हैं अपने स्टेट के लिए। आज क्या है, आज हमारे पास इंटीग्रेटेड इंडिया है, लेकिन फिर भी जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो ये बोलता है कि हर स्टेट अपने कानून अलग बना सकता है। ये जरूरी नहीं है कि बॉम्बे के जो कुछ कानून है वो उत्तर प्रदेश के कुछ कानून से मिल जाए, सबके कुछ लोकल लॉज अलग अलग होते हैं। लेकिन अब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो लॉज है वो सबको मान्य। तो ऐसी कंडीशन में ये जो तीन प्रेसिडेंसी एरिया हैं, ये लोग अपना अलग अलग कानून बना सकते हैं और बनाते थे। लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल जो एक्शंस होते थे, जो राजनीतिक क्रियाएं थी, वो क्या करती थी, तीनों को इंटीग्रेट करने की कोशिश करती थी, क्योंकि लड़ना सबको ईस्ट इंडिया कंपनी को भी था। तो जहां पर ये ट्रीटीज करती थी, संधियां करती थी, जहां पर ये एक दूसरे के साथ युद्ध लड़ती थी, ये लोगों की सारी संधियां और युद्ध करने की जो टर्म्स कंडीशन थी वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था, उनमें उसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता था। इसको लेकर के वहां पे ब्राइब यानी भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, कंपनी के जो लोग थे वो ज्यादा अमीर होने लगे, कंपनी जो थी वो नुकसान में दिखाई जा रही थी। तो ऐसी कंडीशन में पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट ला करके इन एम्प्लॉइज को, इन लोगों को क्या किया गया, कानून के अंडर उनको रेगुलेट करने की कोशिश की गई, इसीलिए इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। सबसे पहली चीज है, जब भी आप पीसीएस या आईएएस में या अपने एग्जाम में जाते हैं तो वहां पे वाय का जो सिस्टम है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देन अगेन व्हाट, फिर होम, और सबसे लास्ट में होता है इसका एप्लीकेशन। उसका एप्लीकेशन क्या है, ये चार चीजें जो है ये सिविल सर्विसेज के लिए या जुडिशियल सर्विस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। कि सबसे पहले व्हाई,
Why पता होना चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट why it was named as the regulating act, तो उसके पीछे क्या रीजन था कि रेगुलेट करने के लिए. किसने बनाया था? बनाया किसने था? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने. ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया. अब मैंने आपको बता दिया कि यहां पे तीन गवर्नर थे, एक बंगाल का, एक मद्रास का, एक बॉम्बे का, तीनों प्रेसिडेंसी एरिया का. तो इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट था, कॉन्ट्रेडिक्शन होता था इनके एक्ट को लेकर के. तो सबसे पहले काम किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था और बंगाल का गवर्नर उसमें वॉरेन हेस्टिंग था. उसका टाइम पीरियड 1772 से 1785 तक रहा है. तो वॉरेन हेस्टिंग जब था तो ऐसी कंडीशन में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया. पहला एक्ट आप लोग लिख सकते हैं कि इस एक्ट का पहला प्रोविजन यह है कि द गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. अब इसके भी बहुत सारे मतलब हैं, वो मैं बता देता हूं, इसी जगह पे बता देता हूं. जब आप कह रहे हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना, तो बेसिकली इसका मतलब यह है कि जो गवर्नर जनरल बना वो क्या करेगा, वो सुपरवाइज करेगा. यानी जो तीनों प्रेसिडेंसीज हैं, एक तो उसकी खुद की हो गई और बाकी जो खुद उसकी दो अलग हैं, बॉम्बे और मद्रास. तो यहां पे गवर्नर जनरल का जो मोटा सा मोटा मतलब है वो क्या है, दैट वॉज ओनली टू सुपरवाइज, हिंदी में कहते हैं पर्यवेक्षण करने का अधिकार. गवर्नर जनरल की सिर्फ एक पावर मिली है, वो पावर उसको ये है अभी तक कि भाई आप बंगाल के गवर्नर रहते हुए भी गवर्नर जनरल का काम करोगे और बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर हैं वो आपके अंडर में रहेंगे. ये मेन मीनिंग है. किसका मेन मीनिंग है? गवर्नर जनरल का. यानी बंगाल के गवर्नर को अब दो काम करने हैं. पहला काम क्या करना है कि बीइंग द गवर्नर ऑफ बंगाल ही हैड टू लुक आफ्टर द लॉ, ही हैड टू लुक आफ्टर द रेवेन्यू सिस्टम, एवरीथिंग ही हैड टू लुक आफ्टर. उसको सारा काम करना है, रेवेन्यू भी देखना है, लड़ाई भी लड़नी है. बीइंग द गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर का काम भी निभाना है और गवर्नर जनरल. लेकिन जब वो गवर्नर जनरल बनेगा तब उसको क्या करना है, सुपरवाइज करना है अदर टू प्रेसिडेंसी एरियाज को. ये मेन चीज होगी. तो ये इसका मतलब. यहां पे ये मतलब नहीं है कि उसको प्रमोट कर दिया गया तो बंगाल का गवर्नर नहीं रहेगा, बंगाल का गवर्नर भी रहेगा. ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन रहता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि बुक्स में इसको डिफाइन नहीं किया गया. लेकिन मैं आपको बता दे रहा, इसको अलग अलग नोट कर लीजिएगा. बुक में आप समझते हैं कि जब वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन रहा है तो वो अपनी पोस्ट से ऊपर चला गया. नहीं, दोनों काम कर रहे हैं. ठीक है, दोनों काम क्या है, दोनों काम कौन कौन से होते हैं? एक काम होता है रेवेन्यू का. आज की डेट में क्या, सिविल के जजेस अलग होते हैं और क्रिमिनल यानी फौजदारी वाले अलग हैं. दोनों अलग होते हैं कि नहीं होते हैं? मुंसिफ मजिस्ट्रेट, ये इसीलिए लाया गया टर्म. तो ऐसी कंडीशन में यहां पे दोनों काम इसको करने थे बंगाल के गवर्नर को, जो कि गवर्नर जनरल बना. तो यहां पे लिखा है कि पहली बार केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी गई. इट लेड द फाउंडेशन फॉर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. तो अब मैंने आपसे पूछा कि भाई सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जहां पर अथॉरिटी ही जो कानून बनाएगी वो सबको मानना पड़ेगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. एक ही कानून बनाने वाला व्यक्ति है और सारे लोग कानून को फॉलो करेंगे, बनाएंगे नहीं. ये है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब. सारे लोग एक ही आदमी के पास पावर है. जैसे आप मिडिवल फेज में देखते हैं तो बादशाह के पास पावर रहती थी, सल्तनत फेज में सुल्तान के पास रहती थी, इंडियन जो रूलर थे उनके पास रहती थी. तो ये क्या, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब ये है. तो इसने भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी. इट लेड द फाउंडेशन फॉर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. यानी पूरे पूरे इस एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेंटर है वो कहां रहेगा, बंगाल में. बंगाल में भी कौन रहेगा, बंगाल का गवर्नर जनरल. बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है, वॉरेन हेस्टिंग. आंसर मिल गया होगा आपको. सेकेंड पॉइंट क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है,
लॉ मेकिंग प्रोसेस में आज अगर देखें तो इंडिया के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? पार्लियामेंट की। इंडिया के लिए कानून कौन बनाता? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या होता है? वहां पे दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा इज नोन एज द लोअर हाउस एंड द राज्यसभा इज नोन एज अपर हाउस एंड बोथ हाउसेज आर अंडर द प्रेसिडेंट। दोनों ही हाउसेज जो हैं वो राष्ट्रपति के अंतर्गत अंदर हैं। तो पार्लियामेंट कब बनती है? पार्लियामेंट बनती है यानी तीन चीजों से मिलकर पार्लियामेंट बनती है। इनमें से एक भी चीज नहीं। आपसे कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई सबसे ऊपर पार्लियामेंट में कौन रहेगा? प्रेसिडेंट रहेगा। दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? राज्यसभा। तीसरे नंबर पे कौन रहेगा? लोकसभा। तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल थ्री बॉडीज। यू मे राइट, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ थ्री बॉडीज। वन इज द प्रेसिडेंट, सेकेंड इज द राज्यसभा और द स्टेट ऑफ काउंसिल और द अपर हाउस, एंड थर्ड इज लोकसभा और द लोअर हाउस। मैं बाद में बताऊंगा इसे लोअर हाउस अपर हाउस क्यों कहते हैं, अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो जो काम उस समय कुछ लोगों ने शुरू किया, आज वो काम कौन कर रहे हैं? लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट मिला के कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कानून बनाते समय पूरे देश के कानून का ध्यान रखा जाता है। पूरे अलग अलग रिलीजन, अलग अलग बिलीफ, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव को बैठा करके कानून बनाया जाता है। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कानून बनाने की जिम्मेदारी बहुत कम लोगों को दी गई थी। उसमें एक थे गवर्नर जनरल और उनके साथ में थे चार मेंबर्स, फोर मेंबर्स ऑफ काउंसिल। यानी कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है वो किसको दे दी गई? फोर मेंबर्स वाली काउंसिल्स को, एक और एक था गवर्नर जनरल। यानी टोटल जो काम उस समय पांच लोग मिला के करते थे, उस काम को आज 750 से ज्यादा लोग मिला के कर रहे हैं। दोनों मेंबर आप जोड़ लीजिए, प्रेसिडेंट को जोड़ लीजिए। जो काम आज 750 से ज्यादा लोग मिलके कर रहे हैं कानून बनाने के लिए, उस काम की शुरुआत होती है कितने लोगों से? फाइव पीपल से, जिसमें गवर्नर जनरल है, चार काउंसिल के मेंबर हैं। अब ये लोग क्या करेंगे? जैसे आज राज्यसभा और लोकसभा कानून बनाती है और फिर साइन करने के लिए किसके पास भेजती है? राष्ट्रपति के पास। वैसे ही उस समय कानून बनाने के लिए लॉ मेकिंग प्रोसीजर में क्या होता था? ये जो फोर मेंबर थे काउंसिल के, ये कानून बनाते थे और साइन करने के लिए गवर्नर जनरल को भेजते थे। यानी गवर्नर जनरल की जो पोजीशन थी, जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह थी। जस्ट लाइक की बात मैं कर रहा हूं, पूरी तरह से नहीं कह रहा। जो काम गवर्नर जनरल को दिया गया था, वही काम आज राष्ट्रपति को दिया जाता है कि भैया जब कानून बन के आ जाए तो आप उस पर साइन कर दीजिएगा। तो गवर्नर जनरल का काम क्या हो गया? जो कानून बनकर के आएगा उस पर साइन कर देगा। एक चीज से डिफरेंट था कि काउंसिल में मेंबर्स कितने? फोर, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, बॉरवेल एंड मॉन्सन, चार मेंबर्स थे। इन चार मेंबर में जो बॉरवेल था वो इंडिया में रह चुका था, बाकी जो तीन थे वो ब्रिटेन से आए थे। तो एक प्रोबेबिलिटी मानी गई थी कि हो सकता हो कि कानून बनाते समय लॉ मेकिंग पोजीशन में ये दो और दो लोग अलग अलग हो जाएं, यानी दो लोग एक तरफ हो जाएं, दो लोग एक तरफ हो जाएं, चार में। देन गवर्नर जनरल कुड वोट। भाई वोटिंग जो है दो दो से बराबर हो गई है, अब गवर्नर जनरल वोट दे सकता है। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, वो हमेशा 3-1 ही रहता था। उसमें तीन जो विदेशी लोग, यानी जो बाहर से लोग आए थे, क्लेवरिंग, फिलिप फ्रांसिस और मॉन्सन, ये तीन लोग एक तरफ होते थे, बॉरवेल अकेला पड़ जाता था और वो गवर्नर जनरल यानी वॉरेन हेस्टिंग्स को साइन करना ही पड़ता था। तो गवर्नर जनरल हेड होते हुए भी परेशान था, राइट। तो ये दो प्रोविजन हमने पढ़े इसमें, कि इसमें और दो प्रोविजन क्या थे उसको भी देखते हैं। अब क्या था यहां पे?
मैंने भी बताया आपको कि मेजॉरिटी से डिसीजन होना था, यानी 4 में 3 लोग किस तरफ जाएंगे इससे डिसीजन होना था, यानी फर्स्ट, इसको कह सकते हैं फर्स्ट डेमोक्रेटिक स्टेप टू मेक लॉ। पहली बार लोकतांत्रिक विधि अपनाई गई, फर्स्ट टाइम इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पहली बार एक लोकतांत्रिक विधि अपनाई गई जहां पे बहुमत से डिसीजन लिया जा रहा था। हालांकि मैंने आपको बोला ना, वो तीन एक तरफ रहते थे, ये एक तरफ बसते थे, लेकिन शुरुआत तो हो गई थी। गवर्नर जनरल को साइन करना है तो गवर्नर जनरल को साइन करना पड़ेगा, आज भी होता है कि राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा अगर मेजोरिटी से पास हो गया है तो। ये दोनों चीजें क्लियर हो रही, जो लोगों को याद नहीं होता ना उनको याद करने का सबसे आसान तरीका है। फिर मैंने बताया था कि भाई द गवर्नर जनरल कुड वोट इन द केस ऑफ इक्वलिटी इफ देयर इज अ पोजीशन ऑफ टू पीपल ऑन अदर साइड, टू पीपल ऑन अदर साइड, बट इट नेवर हैपेंड। दो थ्री पीपल दे ऑलवेज साइड देमसेल्फ, तो तीन लोग एक ही तरफ रहते थे, बरवेल जो था वो इधर रहता था, तो हमेशा से वोट जो था वो वही कानून बनता था जो तीन लोग चाहते थे। ये हो गया। द गवर्नर जनरल वॉज बाउंड टू एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द मेजोरिटी। आई टोल्ड यू अर्लियर ही वॉज बाउंड लाइक द प्रेसिडेंट इज बाउंड, बिकॉज इन डेमोक्रेटिक सिस्टम व्हेन द डिसीजंस आर टेकन ऑन द बिहाफ ऑफ मेजोरिटी, व्हाट यू कुड डू, यू हैव टू साइन देयर, यू आर बाउंड टू साइन, एवरी टाइम यू आर बाउंड टू साइन। आप क्या कर सकते हैं उसको, आप वो प्रोसीजर अलग है, लेकिन एक चीज है कि आपको साइन तो करना पड़ेगा, तो वो यहां पे हो गया। अनदर लॉ, सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश एट फोर्ट विलियम कलकत्ता, देयर वाज आल्सो ए क्लॉज कि जब कानून बन जाएंगे, आज संविधान क्या है, सेट ऑफ रूल्स है, तो संविधान क्या है, हर आदमी अपनी जेब में लेके तो चलता नहीं है, रखा जाता है कहीं पे, सब लोग पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, पढ़ते हैं फिर वहां पे हम जाते हैं जजेस के सामने और अपनी दलीलें देते हैं। लेकिन क्या है, उस समय जब कानून बनेंगे तो उनको कोडिफाइड किया जाएगा, जब ये कोडिफाइड किया जाएगा तो कोडिफाइड होने के बाद ये पता कैसे चलेगा कि ये सही है कि गलत है। इन दैट पोजिशन, इन दैट केस क्या हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई, कहां पे, फोर्ट विलियम कलकत्ता। तो इसका प्रोसीजर आया है 1773 में। इन द रेगुलेटिंग एक्ट देयर वॉज अ प्रोविजन जहां पे बोला गया कि एक सुप्रीम कोर्ट बननी चाहिए, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1774। प्रोसीजर जो था वो 1773 में लाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कब बन के तैयार हुई, 1774 में। ये दोनों में डिफरेंस है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सर एलिजा इम्पे वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस। जब सुप्रीम कोर्ट बनेगा तो कोई ना कोई उसका चीफ जस्टिस भी बनाया जाएगा। ऐसी कंडीशन में एलिजा इम्पे बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने सर एलिजा इम्पे। लेकिन आपको पता है कि एक चीफ जस्टिस से काम नहीं चलने वाला था, बिकॉज देयर आर मेनी केसेस। आज भी क्या है, आज आपके पास सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस होते हैं, लेकिन देयर आर मेनी मोर जस्टिसेस। आज भी क्या है, आज भी हर जगह पे कई सारे सबऑर्डिनेट जजेस होते हैं जिनके ऊपर एक चीफ होते हैं, तो उस समय भी एक चीफ था, तो उनके पास सबऑर्डिनेट जजेस की जरूरत पड़ी क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए 3 लोग और लाए गए, हाइट, चैम्बर्स एंड लिमास्टर। ये लिमास्टर है, चैम्बर्स, लिमास्टर एंड हाइट। ये भी पूछा जाता आपसे, राइट द नेम ऑफ सबॉर्डिनेट जजेस, चैम्बर्स, लिमास्टर एंड हाइट। ये जो है ये अब तक का केस था 1774 का, जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ।
1773 में ये एक्ट बन के तैयार हुआ। तो जैसा कि होता है, आज क्या होता है, आज हम मैरिट और डिमेरिट दे करके एक्ट बनाते हैं, उसके डिस्कशंस होते हैं, फिर कई समय बाद एक्ट बनता है। उस समय ऐसी पोजीशनिंग नहीं थी, एक्ट बनता था, हल्का फुल्का डिस्कशन होता था, एक्ट बन जाता था, लेकिन कुछ जरूरतें रह जाती थी, क्योंकि कुछ ना कुछ मैरिट होगी, कुछ ना कुछ डिमेरिट होगी, कुछ भी बनेगा उसकी मैरिट डिमेरिट होगी। एक ऑफिसर जब बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है कि ही कुड फाइंड द मैरिट एंड डिमेरिट एज वेल। तो यहां पे सबसे पहली चीज क्या हुई कि जब वो सब बन के तैयार हो गया, तो उसमें ये देखा गया कि भाई मैरिट डिमेरिट क्या है। तो 1773 में अभी आपने लिखा था, एक बना था सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो हेड है वो कौन है? चीफ जस्टिस। कानून बनाने का जो काम दिया गया है वो दिया गया है गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल को, जिसमें 4 मेंबर्स हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये जो भी लॉ बनाएंगे वो किसके ऊपर अप्लाई हो सकता है, किसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता है, इसको लेके बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन था। ये लोग कानून बना देते थे, कोडिफाइड नहीं थे, इंटरप्रिटेशन नहीं था। तो जो CJI आज होते हैं, उस समय चीफ जस्टिस होते थे, इनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता था। ये जो कानून बना रहे हैं उसका इंटरप्रिटेशन वहां पे सही नहीं हो रहा है, दोनों के रिलेशन सही नहीं होते थे। तो इसको लेकर के 1773 के बाद एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। अमेंडमेंट एक्ट यानी संशोधन अधिनियम लाया गया। उस संशोधन अधिनियम में यह बोला गया कि गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के संबंध स्पष्ट होने चाहिए, और गवर्नर जनरल की परिषद के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय की कई शक्तियों को कम कर दिया गया। इट मीन द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नर जनरल काउंसिल एंड द सुप्रीम कोर्ट वॉज क्लेरिफाइड। Many of the powers of the Supreme Court were curtailed in the favor of Governor General Council. आज भी आपके सामने क्वेश्चन आता है, मैं आपको बोल देता हूँ, आप यू कैन राइट द क्वेश्चन। इंडियन फेनोमेना में, इंडियन अगर एनवायरमेंट में देखते हैं, अक्सर पूछा जाता है कि पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ज्यादा है, यानी हु इज मोर पावरफुल, इज दैट पार्लियामेंट इज दैट सुप्रीम कोर्ट। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, आज भी इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस में, प्री में, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पावरफुल है या पार्लियामेंट ज्यादा पावरफुल है, इस पे क्वेश्चन आएगा, हमेशा आता रहता है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो सेम इट इज विद देयर कि यहां पर ज्यादा पावरफुल कौन होगा, गवर्नर जनरल की काउंसिल होगी कि सुप्रीम कोर्ट होगा उस समय का। तो आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रियल मोटिव था वो ट्रेड करना था, कानून बनाना नहीं था उस समय तक। तो ज्यादा ट्रेड करने के लिए, ज्यादा रेवेन्यू अर्न करने के लिए, ज्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की पावर को लेस कर दिया और गवर्नर जनरल उसकी पावर को बढ़ा दिया गया। यही यहां पे अमेंडमेंट एक्ट है जो 1781 में आपको देखने को मिलता है। फिर हम यहां पर देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जिस क्वेश्चन को लिखेंगे, जिसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है, लिखते लिखते प्रैक्टिस करनी है, आपके आपकी मेमोरी पावर भी शार्प हो जाए। तो सबसे पहले क्या है कि हु वॉज द क्वीन साइन द रॉयल चार्टर ऑफ 1600, यानी 1600 का चार्टर एक्ट बनाते समय वहां की क्वीन कौन थी, इसका आंसर आपको लिख लेना, आपकी जो अगर मेमोरी आपको अपनी अप्लाई करनी, पावरफुल बनानी है। फिर नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर, ये है, ये सेकेंड क्वेश्चन है जो आप लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लिखते चलिए तो आपकी मेमोरी की प्रैक्टिस होती जाएगी। फिर राइट द 5 प्रोविजंस ऑफ
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट के 5 प्रोविजन लिखिए, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द नेम ऑफ ऑल सबऑर्डिनेट जजेस विथ द नेम ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैलकटा। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको लिख के इसके आंसर लिख के आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। राइट द नेम ऑफ सबऑर्डिनेट जजेस टू सुप्रीम कोर्ट अलोंग विद द नेम ऑफ सुप्रीम कोर्ट द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ये पांचों क्वेश्चन आपको लिख लेने, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मेमोरी पावर स्ट्रांग होती जाएगी, कभी भी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर हम लोग पढ़ते हैं, फिर जब ब्रिटिश एक्सपेंशन ज्यादा होने लगा, उनकी उन्होंने काफी सारे एरिया को कॉन्क्वेस्ट कर लिया, इन दैट केस ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे थे उनके एरियाज में, उनका जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन था वो बढ़ता जा रहा था, उनका रेवेन्यू सिस्टम एक्सपेंड हो रहा था, तो और ज्यादा जरूरत पड़ी। ऐसी कंडीशन में जो उन्होंने लास्ट में जो उन्होंने अपना कानून बनाया था रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद वो अमेंडमेंट एक्ट लाए थे, उसको लेकर के ब्रिटेन की अपनी जो वहां पे जो गवर्नमेंट चल रही थी उनके पॉलिटिकल सिस्टम अलग चल रहे थे, और वो सब इंडिया के ऊपर अपनी आंख लगा के बैठे हुए थे कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी स्ट्रांग होती जा रही है कि उसके रेवेन्यू सिस्टम, उसके ऑफिसर जो है वो ज्यादा ज्यादा मालदार होते जा रहे हैं। देन उन्होंने ये देखा कि कंपनी जो है वो ट्रीटीज करने में, वॉर करने में, बैटल लड़ने में, इसके अलावा टर्म्स और कंडीशन लादने में घूस खा रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये देश मिलकर के विश्व के भारत के सारे देश मिलकर के उनके ऊपर अटैक करते, इतने सारे ये दुश्मनी पाल लें। उस केस में एक नया एक्ट लॉन्च किया गया जिसको बोला गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यू हैव ऑलवेज अ सिस्टम जहां पे आपको याद करना होता है कि यार ये एक्ट है किस ईयर में आया, तो आप सीधे याद कर लो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सीधे सीधे पिट्स का इंडिया एक्ट 1784 हिंदी में जो लोग पढ़ रहे हैं। तो जब आप पढ़ते चलेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784, अब मैं आपको बताता हूं शब्दों की जादूगरी यहां से कैसे होगी। जब आप सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है, जब आप लिखते हैं तो आपके मन में क्या आता है, जब क्वेश्चन आता है तो क्या होता है, बेसिक इंटरप्रिटेशन कैसे डिफरेंट हो जाता है इधर से उधर, वो आपको देखना है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 मेंबर थे, उसमें से एक जो मेंबर था मॉनसन, उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या हुआ कि इंडिया में जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग 1785 तक इंडिया में रहे, और उनकी डिमांड ये थी कि यार उनको जो है कायदे से फ्रीडम नहीं मिल रही है, इंडिपेंडेंसी नहीं है उनके पास, वो खाली साइनिंग अथॉरिटी रह गए, खाली साइन किया करते हैं। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने, ब्रिटेन की जो और बॉडीज थी, इन्होंने देखा कि अगर 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 हमने ज्यादा इसको लिमिट में लाने की कोशिश की तो हमारा रेवेन्यू, हमारा एक्सपेंशन, ये सब बेकार हो जाएगा, हम तो कानून बनाते बनाते रह जाएंगे और हमारा रेवेन्यू सिस्टम घट जाएगा, हमारा एक्सपेंशन खत्म हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू को अर्न करें, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड बढ़ाएं, तो उसको फ्री करना चाहिए। ऐसी कंडीशन में जो गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 मेंबर थे उसमें ऑटोमेटिक एक आदमी की डेथ हो चुकी थी मॉनसन, तब 3 मेंबर्स बचे, तो वहां पे एक एक्ट जो बना वो क्या बना, द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द गवर्नर्स ऑफ बंगाल वाज रिड्यूस्ड टू 3 मेंबर्स। अब 1773 में ध्यान रखिएगा, जहां पे 4 मेंबर होते थे गवर्नर जनरल की काउंसिल में,
1784 के पिट्स के इंडिया एक्ट में द नंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल हो गए 3, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब 3 में क्या होगा, आप सोच रहे होंगे 3 हो गया तो क्या हो गया, तो मैं आपको दिखा देता हूं क्या हो गया। तो अब क्या है, जब मेजोरिटी से कोई एक्ट बनाया जाएगा तो पहले रेशियो रहता था 2:2 हो सकता था, लेकिन हो रहा था 3:1, 3 एक तरफ रहते थे, बोरवेल अकेला पड़ता था। अब क्या हुआ, एक की डेथ हो गई, ऐसी कंडीशन में अगर 2:1 भी रहता है, 2:1 भी रहता है, तो आगे जाकर के गवर्नर जनरल को इसी में वोट देने का राइट हो गया, तो यानी कि अब वो 2:2 तो इजिली हो जाएगा, और गवर्नर जनरल को इसी एक्ट में एक एक्स्ट्रा पावर दे दी गई कि वो अपने किसी भी सदस्य के बनाए गए डिसीजन को ओवर रूल नहीं मानेगा, वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा, ये उसको स्पेशल प्रिविलेज दे दिया गया। इसके अलावा हर एक एक्ट की अपनी विशेषता होती है जिसके लिए वो स्पेशली जाना जाता है। जैसे हर आदमी की विशेषता होती है, आप कहते हैं मोहम्मद अली बॉक्सर, आप कहते हैं अमिताभ बच्चन एक्टर, कहते नहीं कहते, ऐसे हर एक एक्ट की एक अपनी विशेषता है। तो 1784 के एक्ट की क्या विशेषता है, एकमात्र ऐसी जिसके लिए इसको हमेशा जाना जा सकता है, वो है क्या कि पहली बार बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको हिंदी में कहते हैं नियंत्रण बोर्ड। तो आप सोच रहे होंगे ये इतना आसान चीज है क्या, यही वो जगह है जहां से पॉलिटिक्स अलग हो जाती है, ट्रेड फॉरेन रिलेशन अलग हो जाते हैं। आप कहेंगे सर बोर्ड ऑफ कंट्रोल से ऐसा क्या होने लगा जिसकी वजह से दोनों चीजें अलग हो गई, तो सबसे पहले मैं बताता हूं, इसके पहले कंपनी के पास दोनों काम यानी पॉलिटिकल एक्टिविटीज रन कराने का काम और ट्रेड एंड फॉरेन रिलेशन एक ही आदमी के पास थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या किया गया, अब यहां पे पहली बार बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस्टैब्लिश किया गया। यू कैन नोट इट डाउन कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज फॉर्म, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया वेयर देयर वर 6 मेंबर्स, उसमें 6 सदस्य होते थे जिनको कमिश्नर कहा जाता था। अब मैंने पहले बोला व्हाई व्हाट होम ये सब था, तो व्हाई क्लियर हो गया, क्यों बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, फॉर सेपरेट पॉलिटिकल एक्टिविटीज, अलग से पॉलिटिकल एक्टिविटीज गवर्न की जाएंगी। आप सोच रहे होंगे सर पॉलिटिकल एक्टिविटीज क्या है, ये तो हमने नहीं सुनी। तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज ये हैं कि एक्सपेंशन के लिए जो ट्रीटीज हो रही हैं, जो वॉर एंड बैटल्स हो रहे हैं, जो फॉरेन रिलेशन मेंटेन किए जा रहे हैं, उनका बेस क्या है ये डिसाइड कौन करेगा, क्योंकि कंपनी के लोग तो खाली ट्रेड करने आए थे, तो क्या उनके पास ऐसा बिहेवियर हो सकता है कि वो पॉलिटिकल एक्शन ज्यादा अच्छे ले सकें। अगर पॉलिटिकल एक्शन ज्यादा अच्छे ले सकते थे तो उनकी दुश्मनी क्यों बढ़ रही है, उनको चेक एंड बैलेंस करना है। तीसरा एक और बड़ा रीजन, कंपनी इसलिए ज्यादा से ज्यादा गेन कर रही है, कि वो प्रॉफिट कमा सके, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो लोग बैठे हुए उनके मन में डर भी, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग इतना बाहर एक्सपेंड कर लें कि अपनी 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 सेना बना ले, अपनी ताकत बढ़ा ले और बाद में हम ही पर अटैक कर दे, उस समय ये होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जिसको हिंदी में कहते थे नियंत्रण बोर्ड। अब यहां से डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इन विच एक्ट देयर वाज अ प्रोसीजर फॉर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड का प्रोसीजर किस एक्ट में था, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। आप सोचेंगे पिट क्या है, ये एक बात की स्टोरी है, पिट जो है वहां पे अलग से एक प्रधानमंत्री हुए थे, उनका नाम था पिट्स इंडिया, पिट का नाम था, बाद में उसी से वो एक्ट भी जोड़ दिया गया। तो अब यहां पे इनडायरेक्ट काम क्या है, इनडायरेक्ट ये है जो दोनों एक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो इनडायरेक्ट ये है कि किस एक्ट के जरिए कंपनी की राजनीतिक शक्तियां अलग थलग की गई, दैट वॉज पिट्स इंडिया एक्ट। राजनीतिक शब्द मैंने कहा, पॉलिटिकल एक्शंस वॉर सेपरेटेड, ये आप नोट कर सकते हैं उसमें।
किस एक्ट के द्वारा कंपनी को, अब देखिए और खतरनाक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, किस एक्ट के द्वारा कंपनी को कंट्रोल में रखने के लिए एक नई व्यवस्था लाई गई जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे, पिट्स इंडिया। और अगर हम इसको बिना कुछ बताए आपसे पूछने की कोशिश करें तो आपका दिमाग कैसे चल सकता है, तो कैसे चलेगा? ये क्वेश्चन और धारदार बन जाता है जब हम इसमें कुछ डालेंगे नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेंगे। वो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि ब्रिटिश संसद ने पहली बार, आप अपने दिमाग को खोल लीजिए यहां पर, ब्रिटिश संसद ने पहली बार कंपनी के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल करने के लिए कौन सा एक्ट लागू किया? दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट नहीं होगा, समझ लीजिएगा। पहले आपको ये क्वेश्चन आ चुका है 2002 में, पहली बार पूछा गया था, राइट? तो दिस बोर्ड हैड डायरेक्ट कंट्रोल, देखिए साफ साफ लिखा हुआ, ओवर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो क्षेत्र अधिकार है, कंपनी का जो ज्यूरिडिक्शन है, उसके ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी पूरा राइट है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो 6 मेंबर्स हैं, इनका कंपनी के इंप्लाई से लेना देना नहीं है। दीज मेंबर्स वर नॉमिनेटेड बाई द क्राउन, क्राउन नॉमिनेट करेगा, यानी ये सरकारी लोग हैं, सरकारी नौकरशाह हैं। दे वुड डिसाइड कि लड़ना है कि नहीं लड़ना है, ठीक है? ये हम लोग किसी और दिन डिस्कस करेंगे कि लड़ाई करने से पहले उसका खर्चा कैसे निकाला जाता था। आप सोचोगे डायरेक्ट इधर घोड़े पर बैठे, इधर तलवार टांगी, उधर बंदूक टांगी, लड़ ली, ऐसे नहीं होता था। अंग्रेज लोग बहुत बुद्धिमान थे, वो देखते थे कि कितने रुपए लगा के हम कितनी लड़ाई लड़ सकते हैं। भारत में नहीं है कि प्राण जाए पर वचन जाए, वहां प्राण चल, वो वचन दोनों नहीं, पैसा नहीं जाना चाहिए, प्राण भी चला जाए वचन जाए उससे मतलब नहीं है, पैसा नहीं जाना चाहिए। इस कंडीशन में उनके पास एक सिस्टम था कि कितना एक्सपेंशन हम करें और वो लेस एक्सपेंसिव हो, तो वो उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाया गया था जिसमें 6 मेंबर लाए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, द एक्ट इंट्रोड्यूस द ड्यूअल गवर्नमेंट फॉर द कंपनीज अफेयर इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में पहली बार कंपनी के मामलों में द्वैत शासन व्यवस्था, ड्यूअल गवर्नमेंट। अब आप सोचेंगे सर ये ड्यूअल गवर्नमेंट क्या होता है, अभी तो सिंगल गवर्नमेंट थी, ये ड्यूअल गवर्नमेंट क्या है? हिंदी में कहे तो द्वैत शासन क्या है, द्वैत सरकार क्या है? तो द्वैत सरकार मतलब ये है कि एक काम को दो लोग करेंगे, वन एंड टू। आप सोचेंगे सर ये एक काम कौन सा है, एक काम है रूल करने का, तो आप कहेंगे सर दो लोग कैसे करेंगे? तो रूल करने का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं है, शासन चलाना नहीं है, वहां पे ट्रेड भी करना होता है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना होता है, वहां पे मिलिट्री सेटअप भी करना है, वहां पे एजुकेशन भी फैलाना, बहुत सारे काम है। तो दो लोगों को क्या दिया गया, एक को दे दिया गया क्या, इनको दे दिया गया पॉलिटिकल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज ये एक को दे दिया गया, एंड कॉमर्स एंड रेवेन्यू, रेवेन्यू प्लस कॉमर्स, ये दे दिया गया एक बॉडी को। तो जिसको रेवेन्यू प्लस कॉमर्स दिया गया वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और जिसको पॉलिटिकल एक्शन, पॉलिटिकल एक्टिविटीज दी गई वो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। या बना सकते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये करना है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये करना है। तो ऐसी कंडीशन में इसको बोला जाएगा दोहरी सरकार। ये क्वेश्चन आ सकता है, अलग अलग प्रकार से डायरकी आती है। बंगाल में डायरकी आई थी कब, 1765 में पहली बार, बंगाल डायरकी इन द बंगाल 1765, जब वहां पे दीवानी और निजामत कंपनी ने ले ली थी, उसको बोलते हैं डायरकी इन बंगाल, वो पहली बार आई थी। ये डायरकी इन इंग्लैंड इन एडमिनिस्ट्रेशन ये कब है, 1784। अभी आगे भी डायरकी आएगी, मैं आपको बताता रहूंगा कब डायरकी आ रही है, यानी ड्यूअल सिस्टम कहां कहां। अभी दो ड्यूअल सिस्टम में, दोनों आपको मैंने बता दिया, दूसरा ये वाला है। विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक कारणों का नियंत्रण पूरी तरीके से निदेशकों के हाथ में रखा गया,
जिसने कंपनी बनाई है बोला गया भैया आप अपना काम करते रहो, आप अपना बिजनेस करो, आप अपना पैसा कमाओ, आप अपने बिजनेस से संबंधित कानून बनाओ, हमसे मतलब नहीं है। तो ये इनको दे दिया गया। द कंट्रोल ओवर द प्योरली कमर्शियल फंक्शंस वर प्लेस एंटायरली इन द हैंड्स ऑफ द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कहाँ होंगे कंपनी में, आज भी क्या डायरेक्टर्स कहाँ है, कंपनी में होते हैं, उनको कंट्रोल करना है कि भाई तुमको बिजनेस कैसे करना है, तुम चलाओ, हमसे मतलब नहीं है। बट अदर साइड द कंट्रोल ऑफ द पॉलिटिकल फंक्शन द रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज गिवन द बोर्ड ऑफ कंट्रोल रिप्रेजेंटेड टू द क्राउन। लेकिन जहां पे पॉलिटिकल एक्शंस हो रहे हैं, आपको पता होगा कि जब भी प्रधानमंत्री फॉरेन विजिट करके आता है तो सबसे पहले किसके पास जाना होता है, प्रेसिडेंट के पास में जाना होता है। आपको पता है कि नहीं पता है कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहीं फॉरेन विजिट करके आते हैं सबसे पहले किसको इन्फॉर्म करने जाएंगे, सब बताने जाएंगे, प्रेसिडेंट को। ये प्रोटोकॉल है। क्यों, आप देख लो यहां पे भी सिस्टम है। ये जो पॉलिटिकल पावर जो दी गई है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, ये क्राउन की, क्राउन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्राउन को बताते हैं कि मैडम ये हुआ है। आज भी वो सिस्टम चल रहा है। तो ये क्या है, मैंने एप्लीकेशन है, जो कानून पहले बने उनका एप्लीकेशन भी देखने को मिल रहा है कि भाई प्रधानमंत्री जो है जब फॉरेन विजिट करके आ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो आके प्रेसिडेंट को बता रहे हैं। तो उस समय भी क्या पॉलिटिकल एक्टिविटीज किसको बताएंगे, यहां पे किसको बताएंगे। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट यहां पे देखते हैं। जब सारी की सारी एक कंपैक्ट एक्ट बनके तैयार हो गया तो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दे वॉज लुकिंग फॉर अ यूनिक पर्सन हु कुड एडमिनिस्टर इन इंडिया। वो एक ऐसे महत्वपूर्ण आदमी की देखरेख करने लगे थे कि ऐसे आदमी को ढूंढ रहे थे जो इंडिया में आके क्या करे, ट्रेड भी देख ले और पॉलिटिकल एक्टिविटीज को भी देख ले। ऐसी कंडीशन में वहां पे एक पर्सन था जिसका नाम था कॉर्नवॉलिस। तो कॉर्नवॉलिस जो था वो इस बात के लिए रेडी नहीं हो रहा था। वो कहता मैं इंडिया नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल एक्शन तो अलग है, अगर मुझे किसी पे अटैक करना तो मुझे पूछना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो कैसे करा पाऊंगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने की बात कही गई, लेकिन उसको बोला गया कि भाई ठीक है तुम एक काम कर सकते हो, तुमको जो है उस समय के कमांडर इन चीफ की पावर दे दी जाएगी। यानी तुमको जब किसी पे अटैक करना है या टीटी तुमको फॉलो करानी है या तुमको कोई भी टर्म कंडीशन बनानी है तो तुमको पॉलिटिकल एक्शन के लिए बताना पड़ेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, लेकिन अटैक करने की पावर हम तुमको डायरेक्ट देते हैं। लेकिन मुंह से तो कुछ नहीं हो सकता भैया, क्योंकि यू विल हैव टू ड्राफ्ट अल्लाह। आप भारत में कानून बोलने लिखा नहीं है तो एक्शन कहां से होगा, लिखा होना चाहिए क्योंकि हर एक जगह पे पहले कानून बनाया जाता है तब वो अप्लाई होता है। तो कॉर्नवालिस को मनाने के लिए एक अलग से अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया, दैट वॉज अमेंडमेंट टू पिट्स इंडिया एक्ट। अब उसमें क्या ही बोला गया कि यह अधिनियम, ये कहा गया, दिस एक्ट वॉज पास टू मीट हिज डिमांड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ लॉर्ड कॉलिस एज द गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल बनाना है कॉर्नवालिस को और इसीलिए उसे कमांडर इन चीफ की पावर भी दी गई, तब वो जाकर के माना है। तो उसके लिए पहले एक अमेंडमेंट एक्ट बनाना पड़ा कि यह अधिनियम लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त करने के लिए, उसकी मांगों को पूरा करने के लिए पारित किया गया था। दिस एक्ट वॉज पास टू मीट हिज डिमांड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस एज द गवर्नर जनरल। मैंने फिर से बता दिया कि गवर्नर जनरल का मतलब है ही हैड टू सुपरवाइज अदर टू प्रेसिडेंसीज, बट टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, बट टू फाइट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, ये सारे का सारा काम जो है वो उसको करना है अलग तरीके से। फिर इन दिस एक्ट द गवर्नर जनरल वॉज इम्पावर्ड विद द पावर्स ऑफ बोथ द गवर्नर जनरल एंड द कमांडर इन चीफ। मैंने आपको भी बता दिया, उसको बोला गया कि भाई ऐसा है आप कमांडर इन चीफ की पावर भी रखते हो। कमांडर इन चीफ क्या करता है,
कि भाई आपको अटैक करना है, आपको कहीं पे ट्रीटी करना है, तो आपको किसी की हल्की सी परमिशन लेनी बाकी कर देना, ये पावर रखे कि यू कैन मेक, यू कुड मेक अ स्ट्रेटजी। आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं कैसे लाना, और कॉर्नवालिस ने किया भी। ये जिस समय की बात हो रही है उस समय उसने थर्ड एंग्लो मैसूर बाद में लड़ा था जाकर के, और बहुत सारे प्रोविंसेस को जो इंडियन प्रोविंसेस थे उनको अपने अंडर में लिया था। आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक आदमी था। फिर था कि द गवर्नर जनरल कुड आल्सो ओवर रूल द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल इन स्पेशल क्लास, स्पेशल केसेस, विशेष मामलों में गवर्नर जनरल जो था वो सबके निर्णय को रद्द कर सकता था। ये उसको एक बहुत बड़े डिक्टेटर के रोल में लाने का काम कर सकती थी। कॉर्नवालिस इसी चीज को चाहता था कि उसको जब भी मन चाहे वो जैसा चाहे कानून बने, अगर वो कानून उसके मनपसंद नहीं बनता है तो वो उस सारे निर्णयों को रद्द कर सकता है। ये पावर उसको डिक्टेटर बना रही थी। इससे आप कंपनी के और ब्रिटिश इंडिया के नेचर को भी समझ सकते हैं कि उनका मकसद सिर्फ दो ही थे कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंशन करो, ज्यादा से ज्यादा राज्य विस्तार करो, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेके आओ, चाहे कैसे भी लेके आओ। ये दो ही चीजें यहां से क्लियर होती। तो आप समझो इस सिस्टम में ये सारी चीजें हो गई। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कौन सा एक्ट आता है, इसके बाद जो है 1793 का चार्टर एक्ट आता है। 1793 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। आप लोग शायद जानते हो, जो लोग हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और लॉ ये सब पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि 1793 तक जो था ब्रिटिश एक्सपेंशन जो था वो बहुत ज्यादा हो चुका था। मराठे जो थे वही खाली जो है वो इनसे बचे हुए थे, बाकी लगभग इन्होंने सबको हरा दिया था। मैसूर की पावर थोड़ी सी बची हुई थी, आधा से ज्यादा जो स्टेट था वो टीपू सुल्तान भी आ चुका था, सब हथियार डाल चुके थे। तो अब 1793 तक अभी भी कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल है, ध्यान रखिएगा अभी भी है। 1786 से 93 तक उसका टेन्योर इंडिया में रहा है, तो 93 तक वो था। तो उसने 93 तक कंपनी को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, दोनों को मजबूत बनाए रखा। और सबसे ज्यादा मजबूत काम करके वो क्या गया था, उसकी अपनी जो पावर थी, यानी जो ब्रिटिश कंपनी का जो एक्सपेंशन हुआ था, उसका जो जो डाइवर्सिफाई जो जितनी वो जगह जगह पे की गई थी, और जो चेक एंड बैलेंस किया गया था, वो अलग तरीके से हुआ था। पॉलिटिकल पावर के साथ साथ उसने कंपनी को एक बेहतरीन मिलिट्री पावर भी बना दिया था। ये उसकी अपनी एक बहुत बड़ी एक उसकी काम था। और इंडिया में जो कि आप देखते हैं जब आप मुंसिफ बनते हैं तो आप सिविल मैटर्स देखते हैं, तो पहली बार परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी लेकर के वो आ चुका था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम देखेंगे। तो 1793 का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें क्या था, कंपनी स्टेट मोनोपोली वॉज इंडिया वॉज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 20 ईयर्स। अभी भी ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं बात बोल रहा हूं ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ब्रिटेन में बहुत सारी कंपनीज हैं वो इंडिया में आना चाहती हैं, लेकिन अभी उनको इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन नहीं मिल पा रही है। इसका मतलब है कि ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी कुड ट्रेड फॉर 20 ईयर्स मोर, यानी 20 साल तक अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिलेगी, वही खाली पूरा का पूरा यहां पे शासन कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर द काउंसिल वाज एक्सटेंडेड फॉर ऑल फ्यूचर गवर्नमेंट जनरल्स और फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसी। जब उन्होंने देखा कि काउंसिल के जो मेंबर्स थे वो अपने आप में हर्डल्स बनते जा रहे थे, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई ऐसा 1793 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो अभी नहीं है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सारे मेंबर्स के बनाए गए निर्णयों को ओवर रूल करने की यानी रद्द करने की परमिशन है। फ्यूचर में भी ये रद्द कर पाएंगे। और एक स्पेशल प्रोविजन लाया गया। स्पेशल प्रोविजन क्या है, स्पेशल प्रोविजन ये है कि जैसे बंगाल में, मद्रास में और बॉम्बे में सेपरेट काम करने के लिए अलग अलग गवर्नर हैं, कानून बनाने के लिए काम करने के लिए उनको भी एक सबॉर्डिनेट काउंसिल दी गई है। तो ऐसी कंडीशन में, जैसे होता नहीं है कि अगर किसी आईएएस ने नीली बत्ती लगा रखी है जो कि, तो उसके जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो भी चाहते हैं हमको भी नीली बत्ती मिल जाए,
अब तो आर्टिकल 18 और दुनिया के और अच्छे अच्छे आर्टिकल को देख करके वो सब बत्तियां वापस ले ली जा रही, लेकिन जो इन्फोर्समेंट में होते हैं उनको तो भाई बत्ती मिलेगी, पुलिस से आप पावर नहीं ले सकते, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनसे आप पावर नहीं ले सकते, तो वो क्या उनको स्पेशल पर्सन बनाती है। ऐसे ही उस समय जब गवर्नर जनरल को ये पावर मिली कि वो अपनी काउंसिल के मेंबर्स के डिसीजन को ओवरराइड कर सकता है, तो उसके अंडर में जो गवर्नर थे उन्होंने भी डिमांड रखी कि भाई हमको भी डेली बड़ी पर प्रॉब्लम होती है और हमको भी वो पावर चाहिए जिससे हम अपने मेंबर्स के बनाए गए रूल्स को डिसीजंस को ओवरराइड कर सके। वो पावर इस देने के लिए यहां पर 1793 के एक्ट में एक प्रोविजन लाया गया कि भाई अब भविष्य में गवर्नर भी अलग अलग प्रेसिडेंसीज के अपने मेंबर्स के डिसीजंस को ओवरराइड कर सकेंगे, राइट। फिर जब अभी आपने पढ़ा कि 1793 में 20 इयर्स के लिए मोनोपोली बढ़ा दी गई, तो 1793 में आप 20 ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 1813। यानी 1813 में जो नया एक्ट बनेगा उस नए एक्ट के क्या प्रोविजंस हो सकते हैं ये जानने के एक मिनट के अंदर हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश एक्सपेंशन 1813 तक कहां कहां हो चुका था। तो 1799 तक मैसूर जा चुका था, 1806 तक मुगल भी पूरी तरह से आ चुके थे अंडर में, सब्सिडी अलायंस सिस्टम 1798 में जब लॉन्च किया गया था वेलेसली ने, तो जितने भी छोटे मोटे बड़े मोटे जितने भी सब थे वो सब सरेंडर कर चुके थे, अब खाली एक पावर बची थी मेन पावर, वो थे मराठा। इसके अलावा सारे लोग जो थे वो किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो थे वो अंग्रेजों के अंडर में आ चुके थे, यानी अंग्रेजों की पावर पॉलिटिकल पावर और रेवेन्यू पावर और मिलिट्री पावर सब बढ़ चुकी थी। तो यहां पर 1813 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ दूसरी कंपनियां इंग्लैंड में वो भी लड़ने लगी कि हमको भी इंडिया में ट्रेड करना है जाकर के, क्योंकि वो देख रहे थे कि भैया इंडिया में ट्रेड करने में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो करोड़ों अरबों रुपए कमा रही है, इसके जो मेंबर्स हैं वो करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं तो हमको भी कमाना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जब वहां पे डिमांड ज्यादा बढ़ गई, वहां के पॉलिटिकल सिस्टम पे वहां की कंपनी भारी पड़ने लगी, तो 1813 में ये बोला गया कि भाई ऐसा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली सिस्टम है वो हटाया जाता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ दो चीजों में मोनोपोली मिलेगी, पहली चीज है कि वो चीन के साथ में जब व्यापार करने जाएंगे तो यूरोप की कोई भी दूसरी अदर कंपनी चीन के साथ ट्रेड करने नहीं जाएगी, ये पहला चीज। और दूसरा, इंडिया में एक सेक्टर था टी सेक्टर, चाय का, यानी चाय का व्यापार, ट्रेड ऑफ टी और ट्रेड विद चाइना, ये दो चीजें ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई और बाकी कंपनी को मोनोपोली का टैग हटा करके उनको भी ट्रेड करने की परमिशन इंडिया में दे दी गई। ये पहला पॉइंट है कि दिस एक्ट एंडेड द कंपनीज कॉमर्शियल मोनोपोली एक्सेप्ट द टी एंड द ट्रेड विद चाइना। इसको आप नोट कर सकते हैं तुरंत कि क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू विच एक्ट, पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू विच एक्ट द कंपनीज कॉमर्शियल मोनोपोली वॉज बैंड वॉज एंडेड। नोट कर लीजिए कि किस एक्ट के अनुसार कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दी गए, ये क्वेश्चन आने ही आना है। तो आंसर क्या है, 1830 चार्टर एक्ट। लेकिन मैंने बोला एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट वाला अभी बस भूल जाइए, अभी क्या है उनका बैन कर दिया गया, तो वो आपको वैसे लिखना है, बट कंप्लीटली नहीं, बैन कर दिया गया। सेकेंड पॉइंट है, द एक्ट एक्सप्रेसिवली असर्टेड द क्राउन सोवरेनिटी ओवर ब्रिटिश इंडिया। इस अधिनियम ने स्पष्ट रूप से ब्रिटिश भारत पे ताज की संप्रभुता पे जोर दिया। अब ताज की संप्रभुता क्या, सोवरेनिटी ऑफ क्राउन क्या है,
सुरटी ऑफ क्राउन का मतलब हो गया कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो क्राउन के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अंडर माने जाएंगे और उनके द्वारा बनाए गए जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसको फॉलो करेंगे। तो आप तो ऑब्वियस ही चीज जानते हैं, क्राउन की सोवरेनिटी का मतलब है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सोवरेन होगी। यानी अब जो भी एम्परर्स हैं, जो भी नवाब हैं, जो बादशाह हैं, वो सारे के सारे क्राउन ऑफ द ब्रिटेन इसके अंडर में रहेंगे। अब वो बराबरी का दर्जा उनका धीरे धीरे चला जाता रहेगा और ये सब के सब उनके अंडर में सिपे सलार बन जाएंगे, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट, द एक्ट अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया एंड एंगेज इट रिलीजियस कन्वर्जन। पहली बार एक रिलीजियस सेंटीमेंट से भरा हुआ कानून बनाया गया कि अब क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में जाकर के, आप सोच रहे हो क्या इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज नहीं थी, इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज पहले से थी, अकबर के समय से भी लोग आ रहे थे, क्रिश्चियन मिशनरीज थी, लेकिन उनको ऑफिशियल अथॉरिटी नहीं दी गई थी कि वो इंडिया में कन्वर्जन कर सकें। इसका रीजन मैं कभी आपको बाद में बताऊंगा, डायरेक्टली तो आप समझ लो कि वो ये जानते थे, इतना हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ चुके थे कि किसी भी देश में जाकर के अगर आपने उनके ट्रेडिशंस को, उनके रिलीजन को टच करने की कोशिश की तो आपका जो ओरिजिनल बिहेवियर है, ओरिजिनल मोटिव है, वो बेकार हो जाएगा। इसलिए इंडिया में आकर के उन्होंने ये सब करने की कोशिश नहीं की। इसके पहले जो गलती बादशाह और जो सुल्तान और विदेशी फॉरेन इन्वेडर्स आके कर चुके थे, ये गलती इन्होंने नहीं की थी। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जब ये मिशनरीज इंडिया में आए थे, कन्वर्जन करने की कोशिश इन्होंने उस समय डायरेक्टली नहीं की, इन्होंने क्या किया, लोगों को अपनी सर्विसेज के द्वारा प्रभावित करने की कोशिश की। इंडिया का पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो था वो किसने, वो किस कहां खोला गया था, सेरमपुर मिशनरीज। क्वेश्चन कब आया है, 2005 में ये क्वेश्चन पहली बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, 2005 में क्वेश्चन पहली बार पूछा गया कि पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहां खोला गया, सेरमपुर, समझ लीजिए वहां पे किसने खोला, मिशनरीज ने। तो आप समझ सकते हैं उन्होंने कन्वर्जन के अथॉरिटी जरूर ली, लेकिन वो सर्विसेज के थ्रू है, डायरेक्टली कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं की। जैसा कि पहले होता था कि तलवार लेके खड़े हो गए कि भैया नहीं करोगे तो हम मार देंगे, तो ये यहां पे हुई, तो ये हो गया। फिर सेकंड लास्ट पॉइंट क्या है कि भारतीयों की शिक्षा के लिए द ग्रांट ऑफ 1 लाख रुपीज वॉज गिवेन टू इंडियंस। इंडियन को कैसे दी गई, यानी पहली ये ग्रांट दी गई कंपनी को कि भाई आप 1 लाख रुपए इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे खर्च करेंगे, 1 लाख रुपए। लेकिन ये नहीं बताया गया कि किस सेक्टर में खर्च करेंगे। इंडियन एजुकेशन का मतलब अभी आपको लग रहा होगा क्या बहुत अच्छा काम कर रहा है, नहीं, किसी को जिंदगी भर बेवकूफ बनाए रखना जो है ये एजुकेशन सिस्टम का काम नहीं है। आप जिस एजुकेशन की बात आप समझ रहे हैं, ब्रिटिशर्स उस एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं कर रहे थे। उनका माइंडसेट अलग था कि इंडियंस को उतना ही पढ़ाया जाए जितना जरूरी है, कि थोड़ा और पढ़ाया जाए जिससे इनकी मेच्योरिटी बढ़े। उस पर बहुत सारे क्वेश्चन है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, आउट ऑफ सिलेबस है अभी। फिर लास्ट पॉइंट है, इट गेव द लोकल गवर्नमेंट द राइट टू टैक्स द पीपल। इसने स्थानीय सरकार को लोगों पर कर लगाने की अधिकार दे दिए। अब लोकल गवर्नमेंट को कर लगाने का अधिकार क्यों दिया गया, इसके पीछे पूरी ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी थी। यानी ब्रिटिश सरकार ये नहीं चाहती थी कि जो पैसा वो इंडिया में उगा रही है, जो वसूल रही है, जो ट्रेड कर रही है, उसमें से एक भी पैसा वो इंडियंस के लिए लगाए, वो ये नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, आप लोग अपना पैसा कमाओ, अपने ऊपर लगाओ। इसका नाम दिया गया लोकल गवर्नमेंट। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, आपसे क्वेश्चन क्या आएगा, आपसे क्वेश्चन आएगा कि भारत में सबसे पहली स्थानीय सरकार किसने दी, तो ब्रिटिश सरकार आंसर नहीं है, आंसर है चोलाज। भारत में स्थानीय व्यवस्था सबसे पहले चोलों ने दी थी, समझ में आ रहा है, ये इसको मत मार दीजिएगा, ठीक है। ये इन्होंने दूसरे सिस्टम से कही थी कि इंडिया के पास जो लोकल मैटर्स हैं
उनके लिए ब्रिटिश सरकार अपने खजाने से, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैसे से एक भी काम नहीं करेगी। तुम लोग अपना पैसा अपना जानो, अपने लिए पानी की व्यवस्था करो, अपने लिए एजुकेशन व्यवस्था करो, अपने लिए रोड बनाओ। लाइट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है उस समय, सीवर का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अपने लिए जो करना हो करो। तो जब कर लगाने की परमिशन दी थी, इसके ऊपर भी जो हेड होते थे वो ब्रिटिशर्स ही होते थे, यानी उनकी सैलरी भी इसी से जाएगी। आपको क्या मिल रहा था, भगवान ही मालिक है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के यहां पे हम ये देखते हैं 1813 तक। उसके बाद फिर 1833 का चार्टर एक्ट आता है। अब यहां पे दो बातें हुई। 1813 में आपने पढ़ा था कि वहां पर उनकी जो कॉमर्शियल मोनोपोली थी वो बैन की गई थी, लेकिन कंप्लीटली नहीं, दो एक्सेप्शंस थे। पहला ट्रेड विद चाइना, ट्रेड ऑफ टी, ये दो चीजें थी। अब यहां पे क्या हुआ कि 20 इयर्स बाद कंपनी के नेचर में दो चेंजेस किए गए। एक तो उनकी जो कंप्लीट मोनोपोली थी, कंप्लीट मोनोपोली थी वो समाप्त कर दी गई ये, लेकिन कंपनी का जो लाइसेंस था वो 20 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। लाइसेंस का मतलब है लाइसेंस भी लेना पड़ता है, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो आजीवन नहीं होता है, पासपोर्ट आजीवन नहीं होता है। हर चीज सरकार बुद्धिमान है, वो आपको आजीवन नहीं देती है। क्यों नहीं देती, उसके अलग अलग रीजन है। वैसे ही यहां पर कंपनी का जो लाइसेंस था वो 20 इयर्स के लिए रिन्यूअल हो गया, लेकिन मोनोपोली जो थी वो इनकी एंड कर दी गई। फिर से एक्ट पढ़ते समय आपको उस समय के पॉलिटिकल सिस्टम पे रहना, पे ध्यान देना है। 1833 तक क्या हो चुका था, पंजाब छोड़ के पूरा भारत, जो पूरा भारत लगभग अंग्रेजों के पास आ चुका था, मराठे भी आ चुके थे। 1833 तक भारत में रणजीत सिंह जी का शासन जो था वो अपनी एक अलग मुहिम छेड़े हुए था। थोड़ा बहुत वो अंडर ब्रिटिश प्रभाव में थे, लेकिन उनकी ज्यादातर जो कोशिश थी वो किसके साथ थी, वो अफगानियों के साथ जुड़ने की थी। वो नहीं चाहते थे कि हम इधर बढ़े। 1833 तक बंगाल का गवर्नर जनरल एक पावरफुल आदमी बनाया गया था, जिसका नाम था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो था वो इंडिया में अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए जाना जाता है, और उसकी कोशिश थी कि रिफॉर्म के जरिए वो जनता में अपना विश्वास पैदा कर सके। तो आप सोचेंगे क्या ये अच्छा काम है, अच्छा काम नहीं है, ये डिप्लोमेटिक एक्शन होता है। यानी रिफॉर्म के जरिए वो जनता के असंतोष को कम रख सकता है और उसके ट्रस्ट को जीतने की कोशिश करता है। तो जब 1833 तक जीतने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो ऐसे ही एक काम अशोक ने किया था। वो काम क्या था, जब उसने सब पूरा भारत जीत लिया, कलिंग पे भी मारकाट मचा दी, तो उसने यही खेल खेला। अचानक वो एक दिन शांति का पैगाम लेकर के जो है वो तुरंत जो है बौद्ध धर्म अपना लेता है, और वो बोलता है कि भाई अब हम सबको शांति के लिए काम करना है, और वो शांति के लिए काम करना शुरू कर देता है। क्यों, फॉर पॉलिटिकल इंटरेस्ट, कि जनता को शांत रखने से जनता विद्रोह नहीं करेगी। दैट वॉज द रियल इंटेंशन ऑफ विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक को साधु महात्मा नहीं थे कि अपना पैसा लगा के यहाँ पे जो है वो गुरुद्वारा में दान दे रहे थे, मस्जिद में दान दे रहे थे, या यहाँ पे भंडारा चला रहे थे, ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी अपनाई, लोगों में ट्रस्ट पैदा करने के लिए रिफॉर्म किए। तो वो काम वो यहाँ पे अलग करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 1833 में जब इंडिया एक बड़ी पॉलिटिकल पावर से होकर के छोटी छोटी रियासतों से होते हुए अंग्रेजों के अंडर में पूरी तरह से आ गया, तो ब्रिटिश जो पावर थी उसने पूरे इंडिया को एक कर लिया अपने अंडर में। और अब इंडिया में बहुत सारी प्रेसिडेंसी थी, बहुत सारे उनके अंडर में राजा थे, नवाब थे, बादशाह छोटे, एक तो एक ही थे यहाँ के, और उनको कंट्रोल करने के लिए अब जो छोटे छोटे स्टेट थे इनको अपने अंडर लाना था। इसलिए क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल को इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया, इंडिया का गवर्नर जनरल। ये इसका पहला पॉइंट है कि 1833 में
बंगाल का गवर्नर जनरल, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जब आप इंडिया इस समय कह रहे हैं तो आज वाले इंडिया को मत सोचिए। जब मैं कहता हूं 1947 के पहले के इंडिया, तो उस समय का मतलब है ब्रिटिश इंडिया। 1833 तक ब्रिटिश इंडिया था, इंडिया नहीं था। जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो डेट आएगी इसको देखिएगा, चेक करिएगा, तो चेक करने पे आपको पता चलेगा कि इंडिया का नेचर क्या हो रहा है। उस समय तक क्या ब्रिटिश इंडिया है। 1833 तक जब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन रहा है तो वो गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बन रहा है, वो ये वाले भारत को नहीं। उसको उसका मतलब है कि हम ब्रिटिश भारत, यानी जितने भी लोग जो है ब्रिटेन के अंडर में, उनका वो हेड बनने की कोशिश कर रहा है, वो बना दिया गया। फिर अब इसको 3 की बजाय 6 सदस्यों की एक सलाहकारी परिषद दे दी गई। यानी अब उसके पास 6 मेंबर्स की एक काउंसिल थी जो कानून बनाएगी। लेकिन इसके साथ बहुत सारे काम हुए। जब बहुत सारी स्टेट्स हो जाती हैं तो आपको पता है यहां पे थोड़ी सी पॉलिटिकल साइंस को इंक्लूड करना पड़ेगा आपको, कि ब्रिटेन का जो गवर्निंग सिस्टम है, जो सिस्टम वहां पे अपनाया गया है शासन करने का, वो क्या यूनिटी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, एकात्मक शासन व्यवस्था है। एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, पूरे देश की शासन करने का जो अधिकार है, जो काम है, वो सिर्फ एक सरकार को दिया जाता है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट है, तो इंडिया में क्या है, वी हैव मोर देन 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है। तो यूनिटी टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, वहां पे स्टेट को कोई पावर नहीं है कानून बनाने की। तो दैट हैपेंड एट दैट टाइम। वहां पर भी कानून बनाने का काम जो था वो सारी प्रेसिडेंसी से ले लिया गया और बोला गया नाउ यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन पास बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब आपको वही काम करना है जो इंडिया का गवर्नर जनरल बोलेगा। तो एक प्रकार से आप लिख सकते हैं द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर, 1833। 1833 में पहली बार कानून के विकेंद्रीकरण करने की शुरुआत हो जाती है। ध्यान रखिए, जब आप सिविल सर्विसेज या जुडिशियल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो आपको शब्दों पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अगर आपको वर्ड का मतलब समझ में नहीं आ रहा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो जहां पे सेंट्रलाइजेशन का पावर है वहां पे क्या हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब एक आदमी में केंद्रित है। जहां डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है वहां पे सबको दिया गया है। यहां पे क्या है, यहां पे कानून बनाने की जो पावर है वो सबसे पहले दे दी गई किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ मामलों में वो लोग काम करेंगे, सारे मामलों में नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, ये देखिए, यहां पे मद्रास और बॉम्बे इन दोनों ने अपने विधायी कार्यों को बंगाल को सौंप दिया। मद्रास एंड बॉम्बे सरेंडर्ड देयर लेजिस्लेटिव फंक्शंस टू बंगाल। जब आप, क्या ये इतना आसान शब्द है जो आपने बोल दिया विधायी कार्यों को, इसका मतलब क्या हुआ आपको समझना है। इसका मतलब विधायी कार्य का मतलब हुआ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। समझ लीजिए पहले, यहां पे हर एक वर्ड की अपनी एक कहानी है। जब विधायी कार्य लेजिस्लेटिव बात कर रहे हैं तो विधायी कार्य का मतलब हुआ कानून बनाने का जो तरीका, कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसको सौंप दी गई, बंगाल को। तो इसका एक मतलब और उल्टा हो जाता है जो मैंने बोला डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मेकिंग लॉ, यानी कानून बनाने का जो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया थी, सब लोग कानून बनाए थे, वो खत्म हो गया। तो आप उसको उस तरीके से भी ले सकते हैं, उसी तरीके से क्वेश्चन भी पूछा गया पहले कि कानून बनाने के जो तरीका था उसका विकेंद्रीकरण जो था वो पहले हो रखा था, किसने समाप्त किया, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसको देखते हैं यहां पे। फिर पहली बार गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार और उसकी परिषद को भारत परिषद कहा गया। अब आप सोचेंगे ये क्या हो रहा है, भारत सरकार, भारत सरकार क्यों कहा गया, इसको मैंने एक मिनट पहले अभी बताया है। भारत सरकार इसलिए कहा गया है क्योंकि ब्रिटेन की तरह ही यहां पे सिर्फ एक ही सरकार है। जैसे वहां पे यूनिटी टाइप ऑफ गवर्नमेंट था, उसी को मॉडल को यहां पे अप्लाई किया जा रहा था। और कानून बनाने की जो पावर थी वो सिर्फ एक आदमी को दे दी गई, वो था भारत का गवर्नर जनरल, इसीलिए इसको बोला गया भारत की सरकार। लेकिन कौन सा भारत, ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत की बात कर रहा हूं मैं। ध्यान रखिए, बार बार आपको ध्यान देना, ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत, और उसकी परिषद को भारत परिषद, यानी जो उसकी काउंसिल है जो कानून बनाने का काम करेगी उसको बोला जाएगा इंडियन काउंसिल।
गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को पूरे ब्रिटिश भारत बनाने के लिए अनन्य विधायी शक्ति दी गई थी। द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल वर गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर होल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। देखिए बढ़ रहा गया ब्रिटिश इंडिया, ये देखिए जब आप एक्सक्लूसिव की बात करते हैं तो एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है पता है आपको? एक्सक्लूसिव का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि ये सीधे सीधे मेन काम करेगा, सिर्फ एक काम करेगा, वो है कानून बनाने का। अब कानून बनाने का तरीका क्या होता है वो तो आपको पता है, आपने टीवी में कई बार देख रखा है कि पहले प्रस्ताव आएगा, वो सब बात की बातें हम लोग बाद में करते हैं। फिर लास्ट पॉइंट है कि कानून के समेकन और संगीताकरण के लिए पहला विधि आयोग 1834 में अपॉइंट किया गया। For the consolidation and the codification of laws, first law commission was appointed in 1834. अब समेकन और संगीताकरण, codified और consolidation, जब कानून बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं? Consolidate कहते हैं, codify किया जाता है, यानी कहीं पर उसको लिखा जाता है, कहीं पे उसको बताया जाता है, उसको explain किया जाता है, इसको codify करना कहते हैं। Codify करना, सिर्फ कानून एक बोल दिया ये कानून नहीं होता है, उसके 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 एक्सप्लेनेशंस लिखे जाते हैं, कहां पे अप्लाई होगा, किस रूप में अप्लाई होगा, क्या इसका मतलब निकला, इसको कोडिफाई करना, ये यहां पे हो रहा था। तो यहां पर हम लोग कई सारे क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन विच ईयर? फर्स्ट लॉ कमीशन, फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज अपॉइंटेड, अपॉइंटेड में शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, इन विच ईयर, ये हो गया। सेकेंड, द फंक्शन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मेकिंग लॉ वॉज एंडेड इन विच ईयर? कानून बनाने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण कब समाप्त? कानून बनाने की विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया, कानून बनाने की विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया कब समाप्त की गई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया कब समाप्त की गई, ये आंसर क्या आएगा इसका? 1833। ये इसका आंसर क्या है? 1834। फिर The Governor General of Bengal became the Governor General of India according to which act? Third question है ये। फिर एक चीज जो सबसे important है, the complete monopoly of trade was ended by which act? ये question है जो कि कई बार आया हुआ है। The complete monopoly of trade was ended by which act? ये है ये आंसर, इसको लिखना है कि कानून बनाने की प्रक्रिया का सॉरी पूरी तरह से व्यापारी के अधिकार की इस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया, ये कानून एक आम है। तो आज जो है हम लोग इस चीज को यहीं पे एंड करते हैं, कल हम आपसे फिर से मिलेंगे राइट 7 बजे एग्जैक्ट, और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड इवनिंग, गुड नाइट, सबा खैर। और जो भी आपके पॉइंट्स हैं, जो आप अपने इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल मैसेजेस हमको देना चाहते हैं उसको आप बता सकते हैं, और आप अभी ये कोर्स चालू हो रहा है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू।